हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम पढ़ेंगे वेक्टर इन ए प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा वेक्टर इन ए स्पेस। सो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा वेक्टर इन ए प्लेन। देखना बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैंने एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लिया आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग x axis and j cap unit vector along y axis. Okay beta. So we find op vector. Let p point kya consider kar liya beta x y. Hum op vector find karna hai beta humne. Humne kya find karna hai? Op vector. Okay. Draw perpendicular. P se main perpendicular draw kar diya. PM. This one x. This one y. Okay. So, OM का मैग्नीट्यूड मालूम है तो OM वेक्टर क्या हो गया? X into I cap, क्योंकि इस तरफ यूनिट वेक्टर क्या है? I cap. So, OM कितना है बेटा? X मैग्नीट्यूड हो गया, उसकी डायरेक्शन क्या है? I cap. जरा I cap J cap है बेटा, क्या शो करता है? डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, ठीक है। MP वेक्टर, वी राइट Y J cap, क्योंकि इस तरफ डायरेक्शन क्या रखी है मैंने? J cap. So, y magnitude, j cap क्या होगी इसकी direction, mp vector. So, by triangle law vector, so op vector क्या लिखेंगे बेटा? om vector plus mp vector. So, x i cap, y j cap. X and y को क्या बोलेंगे? X क्या है? Component of OP vector along x axis and xi cap क्या हो गया? Vector component along x axis, xi cap. Y को क्या बोलेंगे? Component of OP along y axis. Y j cap को क्या बोलेंगे? Vector component of OP vector along y axis. और हमने position vector पढ़ाया बेटा P, let x1 y1 क्यों x2 y2, हमने pq वेक्टर फाइंड करना है। देन pq वेक्टर कैसे लिखेंगे बेटा? pq वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। जब p पॉइंट था xy तो हमारा पास पॉइंट क्या है बेटा? xi cap y j cap, तो क्या लिखेंगे q वेक्टर को? x2 i cap y2 j cap, x1 i cap माइनस y1 j cap. So we have x2 minus x1 i cap, y2 minus y1 j cap. So example beta. Example first. Let a be any point 1, 2, ठीक है बेटा, एंड वेक्टर ए बी हैज कंपोनेंट, एंड वेक्टर ए बी हैज कंपोनेंट टू एंड सिक्स, फाइंड पॉइंट बी। हमने पी बी पॉइंट फाइंड करना है। यू नो ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। लेट, मैंने बी पॉइंट क्या कंसीडर कर लिया बेटा? एक्स वाई, एक्स आई कैप वाई जे कैप माइनस ओ ए वेक्टर आई कैप टू जे कैप। सो ए बी के कंपोनेंट क्या दिए हुए हैं बेटा हमें? टू एंड सिक्स, टू आई कैप सिक्स जे कैप, टू आई कैप सिक्स जे कैप। So x i cap y j cap, 3 i cap 8 j cap. So b point क्या है बेटा मेरे पास? 3 8। Next, find the component of vector v. हमने v वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करने हैं, whose मैग्नीट्यूड
5√3 which makes angle ₹120 with positive direction of x-axis. ओके बेटा ये क्वेश्चन है. सो देखना बेटा दिस वन इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेक्स एंगल 120 degree. सो दिस वन इज 120 degree, दिस वन इज ए 60 degree. ठीक है. ओ पी एम. ओ पी क्या है बेटा? वी वेक्टर दिया हुआ है. क्लियर है. सो ओ एम वेक्टर क्या है बेटा? OM अपॉन OP वेक्टर लेंगे. दिस वन इज ए cos 60 degree. सो OM वेक्टर द मैग्नीट्यूड OP 5√3 cos 60 degree. cos 60 degree पुत्र 1/2. सो P पॉइंट क्या आ रहा है बेटा? -5√3/2. इस तरह बेटा x की वैल्यू माइनस एन क्यू पॉइंट एम पी. ठीक है. अपॉन ओ पी दिस वन साइन 60 degree. सो एम पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड 5√3 साइन 60 degree √3/2 15/2. सो ये क्या आ गए हमारे पास? कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके नेक्स्ट बेटा एग्जांपल थर्ड बेटा. नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल थर्ड. इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 0i कैप प्लस j कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप प्लस 6j कैप. ठीक है. फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर. इस डायरेक्शन में निकालना है. लेट इसको डी वेक्टर ले लीजिए. ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर. ए वेक्टर 2i कैप प्लस 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस i कैप माइनस 6j कैप. 2i 3i कैप ओके प्लस 7j कैप माइनस 7j कैप. ओके सो हमने क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. ओके याद है बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है इसका? अभी हमने प्रूव किया था ना बेटा ओ एम पी. हमारे पास क्या था बेटा? ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप. ओके यू नो ओ एम का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? एक्स. एम पी का मैग्नीट्यूड क्या था हमारे पास? वाई. वाई पाइथागोरस थ्योरम ओ पी स्केयर ओ एम स्केयर प्लस एम पी स्केयर. सो ओ पी मैग्नीट्यूड ही होगा ना ये वेक्टर का. क्या आ गया बेटा? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर. सो हम कैसे निकालते हैं? आई के कोएफिशिएंट का स्केयर जे के कोएफिशिएंट का स्केयर. ठीक है बेटा. सो डी वेक्टर कितना आ गया बेटा? डी आई माइनस 3i-7j अपॉन 9+49. सो 3√58i कैप माइनस 7√58j कैप. ओके नेक्स्ट फोर्थ. फाइंड द
component of vector AB. Whose A is initial point, कितना दिया है 1 0, B क्या है final point 3 0, okay, minus 3 0 बेटा, whose A vector and B vector along the line, जो हमने component निकालने हैं along the line y equal to x, ठीक है, is the increasing direction of x, ठीक है बेटा, हमने क्या निकालना है बेटा, देखो इसके कंपोनेंट निकालने हैं along किसके बेटा y equal to x, देखना बेटा इस तरफ जे x axis and y axis draw, ये हो गया हमारे पास y equal to x line increasing order में बेटा इस तरफ, a point क्या है 1 0, b point क्या है -3 0, ठीक है, ये वेक्टर आ गया ए बी वेक्टर, हमने किस तरह निकालना है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है, एक और तरह बेटा कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं इस तरफ ओपी का, इस तरफ कंपोनेंट, दिस एंगल इज थीटा, तो ओएम को क्या लिखेंगे बेटा, ओपी का इस तरफ कंपोनेंट क्या आ गया, ओपी कोस थीटा, यही आएगा ना बेटा, ओएम का जो कंपोनेंट है क्या आएगा, ओपी कोस थीटा, क्लियर है, देखो दिस एंगल थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, OM किसके इक्वल आएगा, OP cos theta, सेम बेटा ये है AB है, ठीक है, हमें इसको क्या निकालना है, AB का एंगल देखना है इसके साथ y एक्सिस वाला, यू नो दिस एंगल इज 45 डिग्री क्योंकि ये बाईसेक्टर है y इक्वल टू x, दिस एंगल 135 डिग्री, ओके, सो इसका कंपोनेंट ये यहां था, क्या था, OP cos theta, तो कंपोनेंट क्या है बेटा इसका, AB cos theta, cos theta की वैल्यू कितनी है 135 डिग्री, ओके, AB मैग्नीट्यूड बेटा AB कितना हो गया 4, इस तरफ 3 है, इस तरफ लेंथ 1 4, cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 4 माइनस cos 45 डिग्री, 4 1 बाय रूट 2, 4 रूट 2 बाय 2, 2 रूट 2, ये क्या आ गया बेटा कंपोनेंट, सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वेक्टर इन स्पेस, सो थैंक यू वेरी मच।